नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से संजय ठाकुर की रिपोर्ट। मऊ में मिशन पहचान के तहत फतेहपुर मंडाव ब्लॉक के 697 व दोहरीघाट ब्लॉक के 592 बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह पेपर और ओएमआर शीट की उत्तर पुस्तिका के द्वारा परीक्षा दी। इस परीक्षा में प्रत्येक भाग से प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे 27 फरवरी को जनपद स्तरीय मिशन पहचान की परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी OP त्रिपाठी के द्वारा संचालित परीक्षा का निरीक्षण किया गया तथा ब्लॉक में आए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के बच्चों को मेडल प्रमाण पत्र एवं उपहार के द्वारा सम्मानित किया गया। मौसम के प्रतिकूल होने के बावजूद बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ इस परीक्षा में प्रतिभाग किया तथा पूरे जनपद के अध्यापकों में भी इस परीक्षा को लेकर उत्साह देखा गया। ये एक दिन या एक प्रतियोगिता या दो महीने या दो साल में नहीं आने वाला, ये सतत प्रक्रिया है। और जैसा अभी बताया ना कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी कि गुरु जी की भी पहचान इससे हो रही है। जैसे यहाँ पे जो भी बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं, अच्छा स्कोर का मतलब जिनका अधिगम स्तर अपेक्षाकृत अच्छा है, तो निश्चित उनका गुरु जी को अच्छा लगा होगा जब वो यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे बोला गया होगा। सर, ये मधुबन में जो मिशन पहचान की परीक्षा हो रही है, इसमें फतेहपुर मंडाव में कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं? कुल 705 बच्चे हमारे विकासखंड में प्रतिभाग कर रहे हैं। कुल 188 विद्यालयों से 705 बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस परीक्षा को किस प्रकार से सर कराया जा रहा है? ये परीक्षा लगातार 3 महीनों तक विद्यालय स्तर पर कराई गई है और उन 3 माह में जो औसत आधार पर जो सबसे ज़्यादा प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक प्राप्त किए हैं बच्चे, उनको ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग कराया जा रहा है। यहाँ से फिर प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक कक्षा के जो प्रथम और द्वितीय बच्चे आएंगे उनको जनपद स्तर पर प्रतिभाग कराया जाएगा। सर, आपके देखने से इस परीक्षा को कराने से बच्चों को कितना लाभ हो रहा है? ये परीक्षा बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे बच्चों के ज्ञान का स्तर का आकलन हो रहा है। बच्चे लगातार बहुत उत्साहित हैं इस परीक्षा को देने के लिए। लगातार 3 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, प्रत्येक विद्यालयों पर भ्रमण किया गया है और बच्चे लगातार हम लोगों से पूछते रहे हैं कि सर ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिताएं कब आयोजित की जाएंगी। तो इससे लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि हो रही है और बच्चों के ज्ञान के स्तर के साथ साथ इसमें शिक्षक भी बहुत उत्साह के साथ लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हमारी परीक्षा है और हमारी पहचान हो रही है, तो प्रत्येक अध्यापक लगा हुआ है कि हमारे बच्चे बेहतर हैं और जनपद में